दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी की डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों, बकरे का मीट जिसे आमतौर पर मटन के रूप में जाना जाता है, आप सभी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और इसके फायदे भी जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बकरे के मीट के ऐसे पार्ट के बारे में जिसे बहुत कम लोग खाते हैं, जिसे बकरे का अंडकोश कहते हैं। अब मुझे पता है कि ये सुनकर आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके फायदे और खाने का सही तरीका जानकर आप जरूर इसे खाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में और बाद में देखेंगे इसे खाना कैसे है। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा है, यह पुरुषों में मर्दाना ताकत को बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस पर रिसर्च भी हो चुकी है और सुश्रुत संहिता में इसके बारे में लिखा भी गया है। उसमें बताया गया है कि बकरे की अंडकोश खाने से आप में 100 पुरुषों जितनी मर्दाना ताकत आ सकती है अगर इसका सेवन सही से किया जाए तो। दोस्तों, यही नहीं, पुराने समय में ओलंपिक खिलाड़ियों के डोप टेस्ट हुआ करते थे और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए जाते थे। वो अपना स्टैमिना और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए इसी बकरे के अंडकोश का सेवन करते थे। इसके अलावा बकरे का अंडकोश ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है और इसके साथ साथ नया खून बनाने में भी मदद करता है। बकरे के अन्य पार्ट्स के अलावा ये भी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। बकरे का अंडकोश खाने से आपका जख्म भी जल्दी भरता है। अगर आपको कोई जख्म हो जाए, चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो यह जख्मों को जल्दी भरने का काम करता है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही हो, निमोनिया की शिकायत हो तो आपको बकरे का अंडकोश खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये आपको गर्मी प्रदान करेगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी होता है। बकरे के अंडकोश में विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो आप इसका सेवन जरूर करें। अब देखते हैं कि इसे कब और कैसे और कितना खाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है कि ताजे कटे बकरे के अंडकोश को दुकान से साफ करवा के लेना है। ध्यान रखिएगा कि वो बूढ़े बकरे का ना हो। फिर उसे तेल में फ्राई कर लेना है। उसके ऊपर एक चुटकी पिपली, जिसे लौंगम पेपर कहते हैं, वो छिड़क लें और नमक जो लेना है आपने वो सेंधा नमक लेना है। इस तरह आप इसे खा सकते हैं। आप इसे हफ्ते में एक बार खाएं, कब? गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में आप इसे हफ्ते में दो बार भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बकरे के अंडकोश के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही खास जानकारियाँ पाने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। गुरु जी की डाइट में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।